दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर वन। पहले पहले वीडियो में हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेस डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। चलिए विशेषताएं, पहला विशेषता यही है कि स्पीड, स्पीड मीन्स होता है गति। गति कंप्यूटर के सबसे वेरी फास्ट वर्क काम करता है, वह जो काम करता है वो बहुत तेजी से काम करता है। वह जो भी कैलकुलेशन करता है वह सेकेंड में, बहुत मिलियन सेकेंड, मिलियन में ही वह कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देता है। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है एकदम सही। कंप्यूटर जो है जब तक यूजर सही नहीं देता है डेटा तब तक वह कंप्यूटर काम नहीं करता है। लेकिन अगर एक्यूरेट यूजर जो है वह कंप्यूटर को एक्यूरेट कोई भी डाटा देगा तबे वह एकदम सही काम करेगा, उसी को एक्यूरेसी कहता है। रिलायबल, मॉडर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिलायबल इसलिए कहता है कि मॉडर्न कंप्यूटर में जो भी मशीन को विश्वसनीय कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वह डैमेज नहीं करता है, वह हैक नहीं किया जा सकता है, खराब नहीं किया जा सकता है, आसानी पूर्वक उसे खराब नहीं करता है, इसीलिए मशीन कंप्यूटर को रिलायबल मशीन कहा जाता है। चौथा है मल्टीपर्पज कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर को मल्टीपर्पज क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि वह मल्टीपर्पज जो है वो बहुत सारा काम को आसानी पूर्वक वह काम करता है, इसीलिए वह मल्टीपर्पज कंप्यूटर कहा जाता है। और साथ ही साथ एक्यूरेट वैरायटी टास्क, वह जो है बहुत प्रकार से वह काम करता है, आसानी पूर्वक करता है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज कहता है। एक चीज और इसमें दिया गया है एक्यूरेसी में कि यूजर, यूजर होता क्या है, यूजर किसे कहते हैं। यूजर का मतलब होता है कि जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम किसको कहते हैं, तो सिस्टम को सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है। इसीलिए यूजर जो है एक कंप्यूटर को चलाने वाले को यूजर हम लोग कहते हैं, इसलिए यूजर इसको कहता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।